जो मांग उन्होंने रखी है, क्या उसमें समय लगेगा सर? नहीं, ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा प्रदीप। मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, चाहे उनको आज आप हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। पर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से ऐसी व्यवस्था चल रही है कि रूटीन वर्क होता जा रहा है। वो फैले, मैं उस व्यवस्था को कोशिश कर रहा हूँ चेंज की है। PWD में हमने चेंज कर दी, जो टेंडर 60 दिन में होते थे हमने 20 दिन में कर दिए। 21 दिन का समय रहता था कि टेंडर अप्लाई करने के लिए, अवार्ड करने के लिए समय रहता था काफ़ी, उसमें आप जानते हैं कि क्या होता होगा। तो अभी IPH में भी हमने कर दिया कि 20 दिन के अंदर काम शुरू करना है। और कई नियम हैं जो पुराने चले हैं, कई कानून लाने हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने हैं। तो इस दृष्टि से बड़े चेंजिंग की जरूरत है अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देखना। व्यवस्था तो परिवर्तन होनी स्टार्ट होगी, PWD डिपार्टमेंट में होगी, IPH में होगी। अब हेल्थ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, कैसे करना है, उस दृष्टिकोण से भी समझने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ, बजट में हमारा दृष्टिकोण सरकार का जरूर आपको नजर आएगा। बहुत बहुत उनके परिवार में शादी है, उनके बेटे की शादी है, उसका कहते हैं इन्विटेशन हम देने आए थे। तो मेरे और मुझे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस सभी MLO को उन्होंने अपने बेटे की शादी में मनाया है। 9-10 तारीख को गोवा में उनकी शादी है, तो मैं उनकी शादी में जो उन्होंने इन्विटेशन दिया, और जो हमारे संवैधानिक हेड है वो उस दृष्टिकोण से उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तो उनसे खुद ही कहा कि मैं वहीं आ जाऊँगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे परिवार में शादी है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो मैं आप सबको व्यक्तिगत तौर से इनविटेशन देने आता हूँ। सर, आशा वर्कर को बड़ी, मैंने आज शाम को इंडस्ट्री मिनिस्टर, अपने सेक्रेटरीज और इन सबसे मैंने बात की है और उनको बुलाया। मैं अभी तो एक हमारे MP जलंधर डेथ हुई, वहाँ जा रहा हूँ, शाम को मैं वापस आ रहा हूँ, और 5 बजे मैंने उनकी बैठक की।